आगे वीडियो में हम एक टॉल प्लाजा के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो टॉल प्लाजा था, इस टॉल प्लाजा से 5 किलोमीटर के आगे जाके यू टर्न के बाद जो है अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे रीजंस जो है लोग बता रहे हैं, ओवर स्पीडिंग था भाई, 300 मार रहा था भाई, कोई 300 नहीं मार रहा था। मेरे पूरे रास्ते में कहीं पे भी मीटर 300 नहीं चढ़ा है। हम सारे रास्ते मजाक कर रहे थे भाई, 325 मारेंगे, 350 मारेंगे। अगस्ता भी कह रहा था कि मैं 400 मारूंगा। उस दिन बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट था, एक्सीडेंट जो था मेरे पीछे हुआ। मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर अगस्ता से आगे चल रहा था। तो ये वाला टॉल जो था क्रॉस करने के बाद मैं और अगस्ता जो थे आगे निकल गए। मैं आगे जाके एक जगह पे रुक गया, अगस्ता भी आया मेरे साथ में आके रुक गया। वहां से एक्चुअली यू टर्न था, बट मैं और अगस्ता का था कि हम आगे राइड करेंगे भाई। अगस्ता को रिकॉर्ड करना था भाई, बिकॉज उसके वहां पे भी लंबे स्ट्रेच नहीं है। जो पीछे भाई थे वो भी आ नहीं रहे थे, तो हम वहां पे जाके रुक गए। वो जो टॉल से 5 किलोमीटर का जो रेंज थी, वहीं पे अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ। न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो 299 मार रहा था, 300 प्लस चल रहा था। भाई नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, मैंने खुद बाइक जाके भी देखा था। तो बाइक का जो बैक साइड का टायर था वो फट चुका था भाई। अगस्ता के सिस्टर के साथ भी बात हुई, एंड टायर वगैरह ब्लास्ट होने के कारण जो है ये सारी दुर्घटना हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी चीजें कि हिट एंड रन का केस तो नहीं है। आमिर भाई, तुम्हारी बाइक जाके टकराई है, मैं मेरी बाइक जाके आपको नीचे दिखाता हूँ। टॉल से निकले, यू टर्न मार के दोबारा ऑपोजिट साइड में टॉल आया। मैंने वो टॉल क्रॉस कर लिया था, मैं अगस्ता का वेट कर रहा था। मैंने सोचा या तो गोप्रो की बैटरी चेंज कर रहा है। जब मैंने कॉल किया वहां से आके कि एक्सीडेंट हो चुका है भाई, आपके भाई का, तो मैंने ना आगे कॉल किया। मैंने कहा दादा एक्सीडेंट हो गया है, सारे के सारे यू टर्न मारो। वहां से मैंने सीधा स्ट्रेच मारा 35 किलोमीटर का। 35 किलोमीटर में हमें दादा भी मिल गया। बाइक वहीं लगा दी, गाड़ी में यू टर्न मार के। वहां पे सिर्फ अगस्ता की बाइक थी। एट द प्रेजेंट भाई मैं वहां पे था, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। निकाल दो बताई, लास्ट राइड जो थी भाई, इसने अपनी सिस्टर के साथ 40 मिनट्स फोन पे बात की। तो बोलता है मेरा घर है दिल्ली में, हम दिल्ली में रहेंगे, यहाँ पे भाई रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी, हम सारी चीजें यहाँ करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हम सारे यहीं पे रहेंगे। मैंने कोलकाता, मैंने कहा भाई कोलकाता की एक राइड करते हैं, सामी भाई साथ है, कोलकाता चलते हैं। कोलकाता राइड करने के बाद भाई हम सारे बंदे यहाँ पे रहेंगे, यहाँ राइड करें। कुछ बंदों ने भाई उसे बहुत इरिटेट करके लाया था, जो आज बहुत बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बने हैं एंड आज स्टोरी लगा रहे हैं। RIP ब्रो, ठीक है ना, ओम शांति भाई। वो बंदों ने ना बहुत तकलीफ दी थी भाई इस बंदे को। इसके प्रीवियस व्लॉग्स देखो, एक वीडियो भी वायरल हुआ था अगस्ता भाई का, और लास्ट टाइम जब हम राइड गए तो भाई पुलिस के कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जो लोग हैं, जब इंसान ये दुनिया छोड़ के चले जाता है तभी वैल्यू इंसान की पता लगती है। अब बहुत सारे बंदे बहुत सारे न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं भाई, और वो बेचारा जब जिंदा था उस टाइम पे भाई उसकी पैंट पकड़ के उसे लेके चले गए थे, तो वो चीज होती भाई न्यूज चैनल्स पे चला रहे थे लोग, तब कहां थे भाई सारे के सारे। को ये वीडियो शूट ही नहीं करना था, मेरे को सारे कॉल करके बोल रहे हैं भाई तेरे कारण एक्सीडेंट हुआ, तेरी बाइक से हिट हुआ भाई। तो ये वाला जो फ्रेंड था ये मेरा आखिरी फ्रेंड था, इसके बाद मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। ये दुनिया कैसी है मेरे को अच्छे से मालूम चल गया। मैं जब घर से निकला हूँ मेरा एक ही काम था, मेरी फैमिली को पालना, मेरे को उनके लिए कुछ करना है। सेम अगस्ता भी अपनी लाइफ में सारी चीजें खुद से खरीदना चाहता था, वो उसके पेरेंट्स जानते थे सारी चीजें, मेरी पेरेंट्स से बात हुई। तो ये कुछ गोल्डन मेमोरीज जो थी ये मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। सारे के सारे दुआ करो भाई, मेरे को भाई पिछले लास्ट 1 ईयर से ना परेशान किया जा रहा, बट मैंने आज तक कभी किसी के रिप्लाई में कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। बट ये बंदा मेरे दो तीन दिन रात इसके साथ बैठ के वीडियो एडिटिंग, नेक्स्ट डे वीडियो एडिटिंग, नेक्स्ट डे वीडियो, रात को एडिटिंग, दिन को ब्लॉग। हम 1 घंटा भी नहीं सोए लास्ट 2 दिन। बहुत गोल्डन मेमोरीज थी मेरे लिए कि मैं भाई इनके इस बंदे के साथ अपने भाई के साथ 2 दिन बातें की। वो जो बंदे हैं जो फालतू की वीडियो बना रहे हैं, प्लीज उनके पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं, बेफालतू के वीडियोस मत बनाओ उनके पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं। फोटोज वगैरह सर्कुलेट मत करो, लोग इतने अंधे हो गए व्यूज के चक्कर में कि भाई फोटोज या थंबनेल में डाल रहे हैं। मेरे जम्मू के कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर भाई जो ना भाई व्यूज करे ना भीख मांगते फिर रहे होते हैं, आज वो मेरे को कॉल कर रहे थे भाई सारे के सारे क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करके डालनी जो थी कि क्या हुआ है। आज से पहले तो आमिर माजिद याद नहीं आया, एंड प्रो राइडर 1000 याद नहीं आया, उत्तराखंड से किसी को स्टोरी में प्रो 1000 राइडर याद नहीं आया। वो बंदा कितना परेशान था मेरे को पता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लाइफ में मेरे को पता था, कंटेंट के लिए काम कर रहा था, बिकॉज इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना। हम दोनों सेम एज के थे, वो भी 22 में एंटर कर रहा था। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि कोई लॉयल दोस्त जिसके साथ तू रहेगा और वो तुझे बाद में कभी हार्म नहीं करेगा, ऊपर वाले ने मुझसे वो पहले छीन। सो